ब्रेकअप की अफवाह पर खुलकर सामने आए करण कुंद्रा। अभी कुछ दिन पहले टीवी के मशहूर कपल में से एक अनुष्का दांडेकर और करण कुंद्रा के ब्रेकअप की खबरें सामने आने लगी थी। बीते 5 साल से अनुष्का दांडेकर और करण कुंद्रा लिव इन रिलेशनशिप में थे। आए दिन दोनों फैंस को कपल गोल्स भी दिया करते थे। ब्रेकअप की खबरों पर अभी तक टीवी के इस कपल ने गोलमाल जवाबी दिए। इस मामले को लेकर करण कुंद्रा एक बार फिर से सामने आ चुके हैं और इस बार वो अपने रिश्ते का बचाव करते हुए नजर आए। इस बार करण कुंद्रा ने ब्रेकअप की खबरों को बिना सिर पैर का बताया। टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए करण कुंद्रा ने कहा कि पहली बात तो यह है कि अनुष्का और मैं साथ नहीं रहते हैं, हमारे खुद के घर है। जब हमारा शेड्यूल एक जैसा होता है तभी हम साथ में रहते हैं। मैं हरियाणा में शूटिंग कर रहा था और बंद की घोषणा होने से पहले मैं मुंबई वापस आ गया। मैं किसी की जिंदगी खतरे में नहीं डालना चाहता था, इस वजह से मैंने अपने घर में रहने का फैसला लिया। करण कुंद्रा ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि हम अकेले रहने लगे, लोगों ने हमारे ब्रेकअप का अनुमान लगा लिया। आपको बता दें कि हम अभी भी साथ में हैं। इस तरह की अफवाहों को इस वजह से विवाह मिली क्योंकि मैं बीते कुछ दिनों में सोशल मीडिया पर कुछ भी पोस्ट नहीं कर पाया। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ दिन के लिए सोशल मीडिया से दूर रहना चाहता था। अनुष्का दांडेकर के बारे में बात करते हुए करण कुंद्रा ने बताया कि उन्हें ब्रेकअप की खबर की जानकारी उनसे ही मिली थी। करण कुंद्रा ने बताया कि मैं इस तरह की अफवाहों से परेशान नहीं होता हूं, लेकिन अनुष्का हो जाती है, वो काफ़ी इमोशनल है, उसने ही मुझे हमारे ब्रेकअप की अफवाह की जानकारी दी। वर्क फ्रंट की बात की जाए तो करण कुंद्रा और अनुष्का दांडेकर MTV के चर्चित शो लव स्कूल में बतौर होस्ट नजर आ चुके हैं। इस शो में दोनों देश के कोने कोनों से आए कपल्स को प्यार का पाठ पढ़ाते हैं। खबर अच्छी लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।